गाइस वेलकम टू मम्माज ढाबा। आज मैं लेकर के आई हूँ मिस्सी रोटी और ये बहुत ही टेस्टी रोटी बनने वाली है। आपने बहुत तरीके की मिस्सी रोटी खाई होगी पर ये बिल्कुल स्पेशल तरीके की मिस्सी रोटी है और बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ मैं बना रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसके लिए मैंने एक कप मल्टीग्रेन आटा लिया है और सेम मेजरमेंट कप से एक कप मैंने बेसन लिया है। तो अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप सिंपल आटा भी ले सकते हो। तो एक कप बेसन और एक कप आटा लेंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले हम डालेंगे। जैसे इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट स्वाद के अनुसार, उसके बाद हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा तेल, तो मैंने पहले तेल डाल दिया है मतलब रिफाइन, तो एक चम्मच रिफाइन डाला है मैंने, थोड़ा सा भुना जीरा डाला है मैंने, हल्दी पाउडर, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा, और हम डालेंगे इसके अंदर मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है ये, आप देखिए कसूरी मेथी, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ये हम ज़रूर डालेंगे क्योंकि मिस्सी रोटी की जान होती है कसूरी मेथी। आप इसमें ज़रूर डालें, स्वाद बहुत बढ़िया आएगा और इसको मसल कर दोनों हथेलियों से मसल कर डालें तभी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो डो जो है वो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना नॉर्मल रोटी, तो उसी तरीके के आटा का हम बनाएंगे, हल्का सा उससे थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट अगर आप बनाओगे ना तो जब आप बेलोगे ना तो इसमें बेसन होता है, तो जब आप बेलोगे ना तो ये चकले पे चिपक जाएगी। तो एक अच्छा सा हम डो बनाएंगे कुछ इस तरह का, देखिए बहुत बढ़िया सा डो बना लीजिए इसको अच्छे से मसल मसल कर। और अब हम क्या करेंगे ना कि इसकी लोइयां काटेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए ये बिल्कुल डो तैयार है हमारा, इसको ढककर हम छोड़ देंगे करीबन 15 मिनट तक के लिए। तो क्या होगा ना कि ये बहुत अच्छे से आटा जो है हमारा फूल जाएगा। ये देखिए तो 15 मिनट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे इसकी लोइयां काट लेंगे। तो इससे मैंने 7 लोइयां काटी हैं, मतलब 2 कप आटे से। एक कप मेरा जो आटा था वो करीबन 125 ग्राम था, तो 2 कप 250 ग्राम आटे से 6 लोइयां काटी गई हैं। तो ये जो रोटी होती है ना मिस्सी रोटी, ये थोड़ी मोटी बनती है, बहुत पतली नहीं बनाई जाती, थोड़ी हल्की सी मोटी बनाएं आप इसे। इस तरीके से चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड करें और रोटी को बेल लें, बहुत आराम से बेल जाएगी, कोई बिगनर्स भी इसे बना सकता है। और रोटी की जो मोटाई होगी ना, ये आप देखिए ऐसी होगी मोटाई, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलें और बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो ये अच्छी जूसी नहीं बनेगी। ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी होनी चाहिए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। इसको अलट पलट कर तवे पे हम जो है वो सेक लेंगे और इस पर हम बटर डालेंगे। तो अगर आपके पास वाइट बटर हो ना तो आप इस पर वाइट बटर डालो, मतलब सॉरी अनसाल्टेड बटर डालो। तो मैं अनसाल्टेड बटर डाल रही हूँ, खूब भर के बटर डालो क्योंकि मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा बटर डालती थी। और एक्चुअली मिस्सी रोटी जो है ना वो पंजाबी बहुत खाते हैं, तो ये बटर बहुत खाते हैं। तो बटर जब जितना ज़्यादा बटर डालोगे ना इसके अंदर उतना ज़्यादा ये मिस्सी रोटी टेस्टी बनेगी। बस और क्या, बिल्कुल तैयार है मिस्सी रोटी। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो। और मैं इस मिस्सी रोटी को चने और आलू की सब्जी के साथ खाने वाली हूँ। ये देखिए आप इसको प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लग रहा है मिस्सी रोटी? बहुत सही बताना।